गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो है क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स जो हैं वो स्कैसिटी की जो डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर का ही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म के पॉइंट जो हैं वो 6 to 7 पॉइंट्स है। एटलीस्ट आपको 5 पॉइंट्स जो है वो बाय हार्ट होने चाहिए, मतलब लर्न तो होना ही चाहिए, और आपको सारे पॉइंट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट नॉट ईजी। नॉट ईजी मीन्स द डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्स इज नॉट ईजी एज वी कंपेयर इट टू मार्शल्स डेफिनेशन, बिकॉज वी स्टडी दैट इन मार्शल डेफिनेशन द मेन ऑब्जेक्ट वॉज ह्यूमन बींग एंड द मेन ऑब्जेक्ट वॉज वेलफेयर एंड इट वॉज स्पेसिफिक। ठीक है, मीन्स वेलफेयर वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड इट वॉज स्पेसिफिक। ठीक है, सो वी कैन सी के दैट इन केस ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन, स्कैसिटीज डेफिनेशन, वी कैन नॉट से दैट इट्स क्लियर। ठीक है, इट्स नॉट ईजी टू गेट इट जस्ट बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन वॉन्ट्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये ईजी नहीं होता है फॉर अ पर्सन दैट की कितने वॉन्ट होती है या वॉन्ट को कैसे सेटिस्फाई करना है या हमारे रिसोर्सेज कैसे होंगे, मीन्स इट वी कैन से कि इट्स नॉट प्रीसाइज। ठीक है, नेक्स्ट स्कोप इज टू वाइडर एज अगेन वी आर कंपेयरिंग इट विद द डेफिनेशंस ऑफ मार्शल। ठीक है, जैसे मार्शल ने एक डेफिनेशन फिक्स दे दी दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी वुड बी कंसिडर्ड देयर। ठीक है, मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड विद ह्यूमन बींग, रिलेटेड टू ह्यूमन बींग वुड बी कंसिडर्ड देयर। ठीक है, बट इट हैड नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड बाई दी प्रोफेसर लायंस, मतलब उन्होंने जो रॉबिन्स ने दिखाई है डेफिनेशन स्कैर्सिटी की, उसके अंदर जो उसका स्कोप है वो बहुत वाइडर है जस्ट बिकॉज वी आर डीलिंग विद द रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वॉन्ट्स। As we know, wants are unlimited and resources are scarce. We have to make a proper balance between both of them. हमको दोनों के बीच में balance establish करना है. So sometimes we can say that the scope of this definition is wider as we compare it to Marshall's definition. Next is, this definition is purely theoretical. Means we cannot implement it as in a practical way. Means the definition based on Robbins या फिर Robbins का जो analysis था of human conduct, जो भी उन्होंने human conduct के ऊपर analysis किया था, it's only theoretical. वो theoretical based ही था. ठीक है, means there is no place for morality. Morality की, human welfare की, तो उन्होंने एकदम neglect ही कर दिया. मतलब अपन इसको बोल सकते हैं कि human welfare भी practically life में possible होता है. ठीक है, ह्यूमन का वेलफेयर, सो वो पॉइंट तो उन्होंने कंसिडर ही नहीं करा, तो दैट वॉज द पॉइंट ऑफ लिमिटेशन. नेक्स्ट, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एंड एंड मींस, एज वी कैन से देयर कि एंड जो होता है इट वुड बी अवर अल्टीमेट गोल एंड मींस मींस द सोर्सेज विद द हेल्प ऑफ विच यू आर गोइंग टू अकम्प्लिश योर अल्टीमेट गोल. ठीक है, सो इट हैज नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड. ठीक है, उन्होंने जो है इस चीज़ को डिफाइन नहीं करा है. रॉबिन्स वॉज नॉट मेकिंग डिस्टिंग्विशन बिटवीन एंड्स एंड मीन्स, उन्होंने डिफ्रेंसिएशन क्रिएट नहीं करा एंड और मीन्स के बीच में, तो हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि दैट व्हाट आर अवर एंड एंड व्हाट आवर मीन्स. ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि वेलफेयर की डेफिनेशन में क्या होता है, एंड वुड बी सोशल वेलफेयर एंड मीन्स वुड बी इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, सो इन सेम वे जो स्कैर्सिटी की डेफिनेशन थी उसमें हम क्लियर नहीं बता पा रहे थे. नेक्स्ट इज यूज ऑफ डिडक्टिव मैथड. ठीक है, तो रॉबिन्स जो थे उन्होंने किस मेथड को प्रेफर किया था, उन्होंने इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए जो है डिडक्टिव मेथड को प्रेफर किया था. मींस बोथ इन प्रैक्टिस बोथ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स आर यूज टू हैव देयर इंपॉर्टेंस एंड अराइज एट करी कंक्लूजन. मतलब हम दोनों डेफिनेशंस को क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, इंडक्टिव मैथड को एज वेल एज डिडक्टिव मैथड्स को. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट ह्यूमन कंडक्ट इज नॉट ऑलवेज रैशनल. मतलब हम कभी कभी बात करते हैं कि जरूरी नहीं कि हर काम या हर ह्यूमन बींग का एक्शन जो हो वो रैशनल बेसिस पे हो. मीन्स समटाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि आप रैशनल डिसीजन मेकिंग कर पाओ. ठीक है, सो ये पॉइंट जो है वो स्कैर्सिटी की डेफिनेशन का जो है वो हमको क्या करता है, क्रिटिसिज्म का पॉइंट फॉलो होता है. नेक्स्ट, नो प्लेस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर. मीन्स यहाँ तो उन्होंने पूरी तरीके से ह्यूमन वेलफेयर को ही निग्लेक्ट कर दिया. मीन्स उन्होंने क्या बता दिया, उन्होंने स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बता दिया, ह्यूमन वांट्स के बारे में बता दिया. तो देयर वाज नो प्लेस फॉर वेलफेयर एज वी स्टडीड अर्लियर. ठीक है, हमने जैसे एंड और मेंस के बारे में पढ़ा था वैसे ही है. नेक्स्ट इज पॉजिटिव साइंस. स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी कहा था ये पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस जो इकोनॉमिक के एस्पेक्ट है उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग इट इन अ ब्रीफ वे और इन अ शॉर्ट वे वी कैन से. सो रॉबिन्स डिडंट अग्री विद द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव एस्पेक्ट. मतलब उन्होंने ये बोला था कि इकोनॉमिक्स जो होती है वो पॉजिटिव साइंस होती है. ठीक है, तो उन्होंने नॉर्मेटिव साइंस का जो एस्पेक्ट है वो क्या कर दिया, वेनिश कर दिया. ठीक है, तो दैट वॉज द रीजन बिहाइंड इट कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्कैर्सिटी की जो डेफिनेशन है वो क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, तो उन्होंने पॉजिटिव साइंस को ट्रीट करा. सो वी कैन सी कि अबव पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द डेफिनेशन
ऑफ स्कैरसिटीज कि उसकी डेफिनेशन क्या थी प्लस उसके क्रिटिसिज्म के क्या पॉइंट थे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे अदर डेफिनेशंस में, जेके मेहता के डेफिनेशन पढ़ेंगे प्लस ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।